कुछ पूछना है तो कुछ पूछिए। आपको माइक का हेल्प चाहिए? I also read in the newspaper that the NIA पूछिए, जो पूछिए। अभी आपको यूडीएसए के कन्वीनर जनाब देवेंद्र प्रसाद साहब ने आपको पूरी तफसील बताई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस का फुल फॉर्म है और कन्वीनर साहब तय करेंगे कि ये अलायंस कितने सीट पर बिहार में इलेक्शन लड़ेगा। असुर दीवान साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इसके भी यूपी कन्वीनर नहीं तो बैठकर कन्वीनर साहब के साथ पूरा तय करेंगे कि कितने सीट पर इलेक्शन लड़ना है, कहां से लड़ना है, किस जिला पर लड़ना है। और उनको यकीन है कि इंशाल्लाह बिहार की जनता की हमको पूरी तारीफ उनकी मोहब्बत से हम करवा देंगे और इंशाल्लाह ज्यादा सीटों पर हमारे कैंडिडेट कामयाब है। पहले से जारी आपकी लिस्ट खारिज होती है क्या? पहले से नहीं, पहले खारिज नहीं होती, बल्कि अब जब हम देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में एक अलायंस बनाने हुई है से जाहिर है आपके साथ बैठकर आप फैसला करेंगे कितने सीट पर लड़ना, कहां से लड़ना, तो जाहिर एक नए सिरे से उस पर काम होगा। क्या और भी दल आपके गठबंधन में शामिल होने वाले हैं? यकीन हम लोग वेलकम करेंगे। कन्वीनर साहब बात कर रहे हैं बहुत से लोगों से, अभी मैं जल्दी होगा उनके बारे में बोलना, पर हमको यकीन है कि बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। पप्पू यादव से परहेज तो नहीं होगी? ये सब बातें जो है जैसा शुरुआत की है, जब आगे बढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा। कितने सीटें वसूल होना चाहिए? वही सब आपसे कहा कि बैठकर बातचीत करके सीट का कितने सीट लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, वो पूरा आपको बताया जाएगा। सर, आप हमेशा एससी एसटी की बात करते हैं, एससी एसटी को कितने सीट मिलेंगे आपके यहां से? अभी आपके स्टेटमेंट में आपने सुना होगा कि वंचित समाज को कौमी धारे में लाना बहुत जरूरी है। यकीन है उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। इतना जल्दी आपके सामने कोई पार्टी कन्वीनर के अलायंस की कोई सीट का तो जिक्र करना कोई पार्टी नहीं करती है। बिहार में एससी एसटी समाज के कितने प्रतिशत लोग आपके साथ होंगे, क्या लगता है कैसा काम हुआ है, आप पर कैसा विश्वास है उनको? आप देखिए कोई पोलिटिकल पार्टी है लेकिन कोई हमारे साथ नहीं है, बराबर और ज्यादा तादाद में हमारे साथ है और उनको पूरा यकीन है, क्योंकि एक सीनियर पोलिटिकल लीडर हमारे साथ है जिनकी जिंदगी पोलिटिकल शुरुआत ही खुद उसी समाज के अपलिफ्टमेंट के उसके ऊपर हुई है। यकीन है इन साथ बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ आएंगे और हम उनको साथ लेकर चलेंगे। सर, नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर 15 सालों से काबिज विपक्ष है, तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत हुई थी आप?
नहीं, उससे तो कुछ नहीं। नहीं देखिए, रियलिटी क्या है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मुझे बता दीजिए आरजेडी से। आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमारा वोट काटने आ गए। हाँ, ये तो अब ऐसा है ना कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कितने आरजेडी की जीती होगी। एक भी हम कितने सीट पर खड़े जी। अफ्तर भाई किशनगंज से खड़े थे, अफ्तर भाई ने 3 लाख वोट दिए। जेडीयू के कैंडिडेट ने 3,25,000 दिए और कांग्रेस के कैंडिडेट ने 3.5 लाख। अगर अफ्तर भाई नहीं खड़े होते तो क्या होता, वो एक सीट पर जाते। तो ये तो इनका पुराना एक कैसेट है। दूसरा मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ बाबा, नहीं बैठे ना तुम, आपके सामने बैठे। दूसरी बात यह है कि 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट लिया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया, ओवैसी को हमको बुरा बता वोट लिया। अब आप बताइए नीतीश कुमार कैसे चलेंगे बीजेपी के साथ, जिन बिहार की जनता ने उनको वोट दिया उसको धोखा क्या इन तमाम पार्टी जिन्होंने नहीं दिया। हमसे पूछ के आपने गठबंधन तोड़ा था, तो ये अच्छा होता कि वो अपने ही गिरेबान में झांक कर देखे क्या क्या गलतियां हैं। तो बेहतर हो बिहार की सेकुलर पार्टी आपसे अलायंस करने से क्यों डरती है? उन्हीं इलाकों में जहां चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां भी तो कम से कम अलायंस की गुंजाइश हो सकती है, तैयार होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं सर, उनको बता दीजिए हम किसी से नहीं डरते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अख्तरुल इमाम सर कुछ दिन पहले आरजेडी से मिले थे, तो मैं भी एक्सपेक्टेशन है। अख्तर भाई मिले थे नहीं मिले थे मिलते हैं, मगर इसको आप ये कहना कि मिले थे वो नहीं, वो मिला साथ नहीं थी तो आप समझ रहे हैं। पार्टी मजबूत हो गई आज भी हम बोल रहे हैं आपसे, मैंने कहा कि आप हमारा मैसेज कन्वे करिए, बताइए क्या बोलते हैं वो। वो भाव नहीं दिया गया क्या सर आरजेडी की तरफ? हाँ भाव नहीं दिया गया आरजेडी की तरफ, भाव भाव देखिए नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता को धोखा दिया गया था 5 साल में। बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ बेटा, हमारा छोड़ो हम तो कुछ भी नहीं, हमारा भाव ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट दिया था उसके बारे में क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार उसका? अगर आप बिहार में बीजेपी सत्ता में है तो उसका जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना इंडी सीट जीत गया उसका जिम्मेदार कौन, किसका बहुत है? हमारा छोड़ दिया, हमारा कुछ नहीं है भाई, हम तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है, सब फैसला करेगी। आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आपकी इंटरेस्ट बीजेपी को फायदा और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। हाँ, इसीलिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जीत गए बीजेपी और नीतीश कुमार उन्हीं की सीट पर लड़े। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद किशनगंज औरंगाबाद, 2 बार जीते हम। हैदराबाद में मैंने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है। अब ये सवाल कांग्रेस से कोई नहीं पूछते, इल्जाम लगाना तो ऐसा है ना कि हमारा चेहरे पे लगा हुआ है शायद इल्जाम, लगाइए इल्जाम को इतराज नहीं, मत आवाम को जनता को, जनता देख रही है सब ये तमाशा जो हो रहा है और जनता इसका अच्छा जवाब देगी। आपको क्यों लगता है कि आपकी राय है या सवाल आ जाता है, आपकी राय है या फिर ऐसा आपका ओपिनियन है?
आप एक और गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक से आप दावा करते हैं वो वोट बैंक तो महागठबंधन के पास नहीं माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा भी होता है। महागठबंधन अभी रहा कहां, कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं, कहां है मार्ग महागठबंधन? और ये क्या कोई वो ये कोई स्टूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता, जमहूरियत है।